हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप खुद का जो अपनी आपकी वेबसाइट है उसका आप जो एप्लीकेशन है, आप अपने वेबसाइट का जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है वो आप कैसे बना सकते हो और कैसे उसे फिर उसमें डाल सकते हो, पब्लिश कर सकते हो प्ले स्टोर पे। ठीक है, तो मैं आज के वीडियो में बताऊँगा कि कैसे आप उस ऐप को बना सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। ठीक है, तो चलते हैं इस डैशबोर्ड पे अपने ही। ये डैशबोर्ड जो हमारा इसका कोडुलर का है, तो क्रिएटर डॉट कोडुलर डॉट io है। इसमें आपको अपना लॉगिन कर लेना है, नहीं है तो आप ID बना सकते हैं न्यू। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए एक फ़ायदा है कि आपको मैं जो ये एप्लीकेशन बना रहा हूँ इसका मैं AIA फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो उससे ये होगा कि आपका टाइम बचेगा और आप सीधा इंपोर्ट प्रोजेक्ट में जाके छूट प्रोजेक्ट करके आप सेलेक्ट कर सकते हैं और बस उसमें आपको जो मेन मेन चीज़ है जैसे कि लोगो, ऐप नेम, वेबसाइट का लिंक, बस वो दो तीन चीज़ आपको चेंज करना होगा। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप वो कैसे कर सकते हैं वो सब मैं बता दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले न्यू प्रोजेक्ट बना लेता हूँ और मैं प्रोजेक्ट का नाम रख लेता हूँ, मैं मेरी जो वेबसाइट का नेम है वो मैं अपनी रख लेता हूँ प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, तो टेकली डॉट इन है, बट डॉट इन आई थिंक काम नहीं करेगा इसमें, तो टेकली डॉट अंडरस्कोर इन कर देता हूँ मैं। ठीक है, अंडरस्कोर इसमें बस काम करता है। तो इसमें नेक्स्ट कर देंगे, पैकेज नेम में डालना है तो डाल सकते हैं, तो मैं पैकेज नेम में डाल देता हूँ टेकली 360 डॉट इन डॉट ऐप। ठीक है, इसमें कलर का है तो कलर बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको अभी ही चेंज करना है। ठीक है, तो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद ये क्रिएट हो रहा है फाइल जो आपने बना रखा है। ठीक है, अगर बाय चांस जैसे कि मैं आपको फाइल देता हूँ और आपका जो ये है ऐप नेम कैसे चेंज करेंगे तो मैं वो आपको बता दूंगा कि आपको होम जो स्क्रीन वन है आपका ये वाला स्क्रीन वन पे ही ऐसे रहेगा। ठीक है, आपको बैकग्राउंड इमेज चेंज करना इससे कर सकते हैं, लेकिन वेब व्यू में हमारा कोई काम नहीं है बैकग्राउंड इमेज का, तो हमें नहीं करना। ऐप आइकन आप इससे चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर जैसे कि मैं पहले एक इसमें अपलोड कर देता हूँ जिससे कि मैं अपना लगाऊंगा। ठीक है, तो इसमें मैं अपलोड कर देता हूँ, ये मेरी वेबसाइट का है, ये अपलोड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद जो आइकन में अपना ये वाली लोगो सिलेक्ट कर लूँगा, ये मेरा ऐप का लोगो हो गया। उसके बाद ऐप नेम, अगर आप जैसे कि मैं आपको ये फाइल दूंगा तो आप यहाँ वो चेंज कर सकते हैं, तो ऐप नेम में मैं यहाँ से डाल दूँगा क्योंकि हमारा वो प्रोजेक्ट नेम है, तो प्रोजेक्ट नेम का तो नहीं लेकिन हम ऐप नेम में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, ये हो गया आपका। हाँ, और एक और चीज़ जैसे कि स्क्रीन पर ये लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, तो इसे हम हटा देंगे क्योंकि, तो इसके लिए हमें नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉलेबल कर देना है क्योंकि हमारी वेबसाइट है, तो स्क्रॉल हम कर सकेंगे करेंगे। ठीक है, तो अब स्क्रॉलेबल क्योंकि उसमें कुछ है नहीं तो इसलिए दिखा नहीं रहा, वो हो नहीं रहा। ठीक है, तो हमें इसे हटा देना है। टाइटल एक ऑप्शन आएगा आपको स्क्रीन वन में, टाइटल में आपको ये टाइटल हटा देना है। तो ये देखिए जो ऐप ऊपर स्क्रीन वन से है वो टाइटल हट चुका है। ठीक है, स्क्रीन वन जो कि लिखा रहा था, स्क्रॉलेबल अब को लगा सकते हैं क्योंकि ये दिखा रहा है। ठीक है, अब इसमें जाना है वेब व्यू में, आप वेब व्यू सर्च मार सकते हैं या फिर आप जाएंगे इसमें लेआउट में, लेआउट इसमें व्यू में जाएंगे, व्यू में जाके आपको ये मिल जाएगा वेब व्यू ये रहा। ठीक है, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है स्क्रीन पे। ठीक है, इसका काम हो गया, इसे हम बंद कर देते हैं, जूम आउट कर देता हूँ, फ़ोन में है इसलिए थोड़ा वो कर देता हूँ मैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको ये ऑटोमेटिक पे है जैसे कि फुल
पेरेंट पे कर देना है, फिर पेरेंट पे स्क्रॉल पर, ठीक है सब चीज़ हो गया। अब यहाँ पे हमें वेबसाइट का नाम डाल देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वेबसाइट का नाम यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से मैंने कॉपी करा और यहाँ पे मैंने जाके इसे पेस्ट कर लिया। जो भी जो लिंक आप पेस्ट करेंगे ये सीधा वहाँ पे उसका ओपन होगा, जब भी एप्लीकेशन ओपन होगा। आप चाहें तो एक फर्स्ट स्क्रीन स्प्लैश लोगो का बना सकते हैं कि फर्स्ट स्क्रीन पे आपका लोगो दिखे, उसके बाद आपका वो रिडायरेक्ट हो जाए, ठीक है। तो चलो मैं वो बाद में बता दूँगा कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया, लिंक हमने डाल दिया, ठीक है। फॉलो लिंक है, अब ये हमने बना दिया है, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं करना है, अब हमें जाना है एक्सपोर्ट पे। एक्सपोर्ट पे एंड्रॉयड एपीके पे कर देंगे। एंड्रॉयड एपीके ये हम टेस्टिंग पर्पज से करेंगे। अगर आप सब जब हो जाता है कि आपका हाँ कि ये कंफर्म है हमें ये एप्लीकेशन पब्लिश करना है, तो आप पब्लिश उसे कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो डाउनलोड पे ओके कर लेते हैं, डाउनलोड हमारा स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये डाउनलोड हो चुका है, अब देखेंगे तो हमारे ऐप का नाम भी आ रहा है और हमारा वेबसाइट का भी लोगो आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे। अब ये जो है हमने बना रखा है, तो ये थोड़ा जो इसमें जो एंटीवायरस है उन सबसे जो गूगल का है वो थोड़ा सा दिखाता है कि हाँ शो करता है कि वायरस, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमारा लोगो और ये दोनों आ रहा है, ठीक है। अब इस पर ओके करेंगे, ये हमारा वेबसाइट आ चुका है, ठीक है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे एक जूम का ऑप्शन आ रहा है, तो इसे कैसे हटाएंगे, ठीक है। अब इसी में जाएंगे, ठीक है। ये जूम अनेबल और जूम, ये दोनों हटा देंगे, जूम डिस्प्ले, ठीक है, ये दोनों हटा देंगे, ठीक है। और मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, जैसे कि इसमें अगर हम नीचे बटन लगा देते हैं, है ना, तो भी ये काम कैसे करेगा, है ना। ठीक है, तो अब ये जूम आउट करना है हमें, तो ये हो चुका है। हमने यहाँ पे एक बटन लगा दिया कि ये बटन का कैसे होगा, ठीक है। तो अब बटन पे कब क्या क्लिक होगा तो वो दिखाएगा कि बस ये नीचे आ गया है कि नीचे हमने एक बटन बार का वो कर दिया है, हमने लगा दिया, ठीक है। अब बटन बार में क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम चाहे तो एडजस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि मैं ब्लॉक्स में जाता हूँ और ये हमारा बटन है, ठीक है। बटन पे अगर सेलेक्ट कोई करे, ठीक है, तो हमारा क्या हो, तो मैं कर देता हूँ कि हमारा जो फर्स्ट स्क्रीन है वही ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये ब्लैंक एक लेना पड़ेगा यहाँ पे एडजस्ट कर देंगे। अब इसमें हम नाम डाल देंगे, तो स्क्रीन का नाम था स्क्रीन वन, ठीक है। ये इससे ओपन हो जाएगा, उससे जब भी हम क्लिक करेंगे, ठीक है, ये हो गया। हम नीचे जब भी ओके करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर चाहें तो जैसे कि अगर मैं, या आप ऐसे कर सकते हैं या फिर आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि या इसकी जगह अगर मैं कर देता हूँ आपको एक इमेज लगा देता हूँ, होम स्क्रीन वाला, है ना। तो इमेज मैं इसके अंदर ही ड्रॉ करूँगा, ठीक है। अब इसे हटा देते हैं, अब देखते हैं कि इमेज कहाँ आई है, इमेज आया नहीं है शायद अभी, तो इमेज को हम, इमेज अभी आया नहीं है, तो हम इसे एक बार सर्च करके दोबारा लगा देंगे। ठीक है, ये इमेज आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है।
इमेज का जो वो है वो आ चुका है। अब क्या करना है, इसे हम यहाँ पे कर दिया, लेकिन ये इसमें नहीं आ रहा है। यहाँ पे हमें आइकन ही एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे हम इमेज को अभी के लिए हटा देते हैं, इमेज और बाद में काम आ सकता है, ठीक है। तो ये हो गया है, हमने वो जूम का हटा दिया है। अब मैं बता दें, जैसे कि हम एक्सपोर्ट एंड्रॉयड एपीके पे करेंगे तो हम चेकिंग के लिए कर सकते हैं, लेकिन अगर हम एंड्रॉयड ऐप बंडल पे करेंगे तो हमें पब्लिश करना होगा तो करेंगे। अगर आपने एक बार ऐप बंडल पे कर दिया, उसके बाद आपने दूसरी बार गूगल प्ले पे अपडेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको ऐप वर्जन चेंज करना होगा, ठीक है। तो ये है, अब मैं एंड्रॉयड एपीके जनरेट करके फिर से बता देता हूँ कि कैसे क्या है, ठीक है। अब ये जल्दी से जनरेट हो जाएगा, उसके बाद हम मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे क्या होना है। डाउनलोड एपीके यहाँ पे अभी स्टार्ट हो जाएगा, हुआ नहीं है क्या, दोबारा क्लिक करके एक बार देख लेते हैं। हाँ, स्टार्ट हो गया। ओपन कर लेंगे इंस्टॉल। ओपन, ठीक है। अब ये देखिए, अभी हमारा वेबसाइट बिल्कुल सही जैसे है चाहिए था। यहाँ पे देखेंगे तो आप, ये नीचे ये बार आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे आइकन एक, यहाँ पे एक आइकन लगा देते हैं, यहाँ होम का, यहाँ पे हम लगा देते हैं किसी का भी, जैसे कि इसमें देख लेते हैं। तो इसका लाइफ स्टाइल है, तो ये लाइफ स्टाइल का यहाँ पर लगा दिया। सेकेंड में यहाँ पर हमने रैंडम नेस का लगा दिया, इस यहाँ पे हमने फिर आपका इसका आइडिया एंड थॉट का लगा दिया, रिव्यू का लगा दिया, आवर ऐप का लास्ट में लगा दिया, है ना। साइन इन का ऊपर है, या फिर और एक और इसके ऊपर, या छोटा छोटा करके इसे एडजस्ट कर देंगे। तो ऐसे हम ऐप बना सकते हैं। देखिए, अब जूम वाला जो बटन था वो दोनों सब हट गए हैं, ठीक है। अब जैसे कि कुछ भी ओके करेंगे तो ये देखिए हमारा वेबसाइट ओपन हो गया, ठीक है। तो ये हमारा वेबसाइट ओपन हो गया है, ऐसे होगा। और जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया था कि अगर यहाँ पर कोई भी प्रेस करे तो कहाँ पर जाए, खुले होम पर। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रेस किया तो इसमें हमने क्या लगाया है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। जब सिलेक्टेड हो तो आईडी और टाइटल, इसमें हमने आईडी और टाइटल दिया है, तो आईडी और टाइटल में थोड़ा सा इशू है, यहाँ पे हमें आइकन ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने इमेज उमेज कुछ नहीं लगा रखा, तो ये उस पर चला जाएगा, ओपन हो जाता। लेकिन कोई नहीं, हम इसे मैं आपको हटा देता हूँ, इसे हटाने से भी कोई इशू नहीं है। तो जैसे इसे ड्रॉप करके डाल सकते हैं, डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है ये कलर इनपुट, यहाँ ठीक है, सेव इनपुट कर देंगे। तो ये इसमें कुछ वैसा नहीं आ रहा, ठीक है। तो ऐसा एप्लीकेशन बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए, और उसमें जो भी है उसे आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट स्क्रीन को आप चाहें तो आप फर्स्ट स्क्रीन पे अपनी इमेज लगा सकते हैं, है ना। जैसे कि मैं इसमें लगा के दिखा सकता हूँ, लेकिन वो ज़्यादा फिर बड़ी हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं फर्स्ट स्क्रीन पर आपका वेबसाइट का लोगो हो, उसके बाद अपने आप कुछ सेकंड बाद जो इसमें आपके जो वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर दे, और जैसे कि हमने फर्स्ट वेब इस पर खुला है वैसे खुल जाए, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको उसका AI फाइल दे दूँगा। और अभी के लिए मैं आपको इसका AI फाइल लिंक में दे दूँगा। बस आपको क्या करना है, जैसे कि मैं आपको बता दूँगा फिर से, है ना। जैसे कि मैं एक्सपोर्ट करके आपको AI फाइल दूँगा, तो उसमें क्या करना है आपको, तो जैसे ये AI फाइल है ये खुल जाएगा, है ना।
आपको कुछ नहीं करना है, ये डाउनलोड करते हैं तो जिप में कभी कभी आ जाता है, जिप फाइल में, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं, इसका बस रीनेम चेंज करना है अपने फ़ोन में से, जिप को हटा देना है, ठीक है। जिप हटा के ओके कर देना, ये फाइल बन गई है, ठीक है। अब क्या करना है, आप कैसे एडिट करोगे इसे, ठीक है। तो ये मैं इसे हटा देता हूँ, अभी पुराने वाले वेबसाइट को। ठीक है, अब आपको सिंपल, जब आप फाइल डाउनलोड करोगे आपको जाना है इंपोर्ट में, सेलेक्ट करना है आपका जो भी जहाँ भी डाउनलोड कर का है वहाँ पे जाना है, डाउनलोड AI फाइल, ओके कर देना है, ठीक है, इंपोर्ट कर देना है। कुछ ही सेकंड में आपके नेट के ऊपर जैसे भी होगा वो स्पीड उसी हिसाब से वो हो जाएगा, तो ये हमारा ऐप आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है आपको। अब क्लिक करने के बाद आपको बस सिंपली क्या क्या चेंज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हटा देता हूँ अब, क्योंकि मैं अभी इसमें सेट नहीं करा है नेविगेशन बार, ठीक है। तो इसे मैं अभी के लिए हटा दूँगा, या मैं जो दूँगा उसमें हटा दूँगा, है ना। तो ये हो गया, इसमें आपको जस्ट सिंपल क्या करना है, आपको जाना है ऐप नेम में, ऐप नेम चेंज करना है जो भी आपका ऐप नेम है, ठीक है। मैं एग्जांपल के लिए टेक्ली खाली अब रख देता हूँ, ठीक है। लोगो चेंज करना है, लोगो आप अपलोड यहाँ से भी कर सकते हैं, इसमें ओके जाके, या फिर ऊपर असिस्ट का फोल्डर है इसमें भी जाके आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको जो आपको आ जाना है इसका जो कंपोनेंट है, ठीक है, कंपोनेंट वेब व्यू में जाना है आपको, बस आपकी वेबसाइट का नाम जो है वो चेंज कर देना है, और अपने वेबसाइट का जो भी है उसमें डाल देना है, ठीक है। और आपको उसके बाद सिर्फ सिंपली एक्सपोर्ट पे जाना है, ओके कर एंड्रॉयड APK पे ओके कर देना है, और आपका वेबसाइट इसमें रिडायरेक्ट करेगा, और उसके बाद आपका ये जो एप्लीकेशन है आपके वेबसाइट के लिए बन जाएगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अब मिलते हैं अगले कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नए टॉपिक्स के साथ, ठीक है। तो बताइए कैसे लगा हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको कुछ भी इस AI फाइल से रिलेटेड कुछ भी इशू है, कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।